أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے اور ان کے لیے ایک مثال اس گاؤں کے لوگوں کی بیان کیجیے جبکہ اس گاؤں میں قاصد آئے تھے یہاں مکہ کے لوگوں کے لیے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ واضح کر دیا جائے کہ توحید کیسی زبردست چیز ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ بتا اور جتا دیا جائے کہ جب توحید کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کی طرف سے کیسی مخالفت ہوتی ہے اور اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنے والوں کو کتنے مصائب شدائد اور الجھنیں برداشت کرنی پڑتی ہیں یہ بستی جس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے عام طریقے پہ مفسرین نے اس کا نام انطاکیہ لکھا ہے انطاکیہ بستی معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اس بستی کا نام نہیں ملتا ہے البتہ یہ واقعہ عبرت نصیحت موعظت کے لیے بیان ہوا اور حضرت تھانوی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہترین اصول اس طرح کی چیزوں میں یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو بہت تلاش اور جستجو میں اور باریکی میں اترنے کی ضرورت نہیں کہ کون سی بستی تھی اور کون سا شہر تھا اور کہاں واقع تھا جو اصل مضمون ہے اور جو عبرت و نصیحت کی بات ہے اس کو قبول کرو اور وہ توحید کی دعوت اور اللہ کے دین کے داعیوں پر آنے والے حالات اور پھر ان کا بہترین انجام تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے لیے مثال بیان کر دیجئے بستی والوں کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو قاصدوں کو انطاکیہ بستی میں روانہ کیا تھا دین کی دعوت کے لیے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحبت یافتہ اور ان کے ساتھ رہے ہوئے لوگ تھے
यहाँ जो कहा गया मुरसलून, ये इस्तलाही माना में नहीं है कि पैगंबर आए थे, बल्कि लुगवी माना में है कि कासिद आए, भेजे हुए। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको रवाना फरमाया था और वो कासिद बनकर आए थे। चुनांचे जब ये दोनों कासिद आए अंताकिया बस्ती के करीब पहुंचे, एक चरवाहा बूढ़ा उनको मिला। उसने पूछा किधर का कस्द है, कहाँ जा रहे हैं बस्ती में, कैसे आए। कहा दीन की दावत लेकर आए। क्या दावत है, कहा अल्लाह को मानो, वही नफा और नुकसान का मालिक है, और ऐसी चीजों की पूजा परस्ती छोड़ दो जिनमें ना नफा है ना नुकसान है, और जिनमें न तो कोई ताकत है न सलाहियत है न कुव्वत है। बूढ़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई दलील कोई निशानी भी है। इन्होंने कहा कि हाँ है, अगर कोई बीमार हो, कोई जजामी हो, कोई परेशान हाल हो, हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्त कर देगा। चुनांचे उस बूढ़े का एक बेटा जो 2 साल से बीमार था और बहुत ही सख्त तकलीफ में था, बूढ़े ने अपने उस लड़के के लिए, बीमार और साहिब फराश बच्चे के लिए, इन दोनों से दुआ करवाई, और इन्होंने रो कर गड़गड़ा कर खुदा से मांगा, और अल्लाह ने अपने फजल से उस बूढ़े के लड़के को सेहत और शफा की नेमत दी। ये बात फैल गई बस्ती में, ये बात आ गई तो बहुत से लोग अपने अपने बीमारों को और मरीजों को लेकर आने लगे, और अल्लाह ताला अपने फजल से इन दोनों की दुआ की बरकत से उनको शिफा देने लगा। जिस बीमार पर ये दोनों हाथ फेरते थे और अल्लाह से सवाल करते थे, अल्लाह ताला उसको सेहत दे देता। होते होते बात बादशाह तक पहुंची, और बादशाह ने इन दोनों को अपने दरबार में तलब किया। पूछा कि तुम्हारी दावत क्या है। इन्होंने कहा कि हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया और बताया है कि बुतों की पूजा गलत है और पत्थरों के माबूद परस्तिश के लायक नहीं है। इबादत तो बस अल्लाह की जाएगी, इबादत बस अल्लाह की जाएगी। और इन्होंने ये दावत पेश की और बादशाह गुस्से में बरक उठा, इसलिए कि जमाने से जो एतकाद दिल में घुसा हुआ था वो इतनी आसानी से कैसे निकलता। अगली बात सुनने से पहले ही बादशाह ने गुस्सा होकर उन दोनों को 100-100 कोड़े मारने का हुक्म दिया और जेल खाने में डलवा दिया। लेकिन रिवायत में ये भी है कि बादशाह ने उनको सजा नहीं दी, बल्कि कहा कि जाओ हम गौर करेंगे, और ये निकले तो बाजार में लोगों ने इनको पकड़ कर पीटा, इसलिए कि पूरी कौम मुशरिक थी, बस्ती वाले शिर्क की राह पर चल रहे थे, और उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उनके माबूदों के बारे में बुरा भला कहा जाए। और उसके बाद फिर उनको कैद में डाल दिया गया। शमऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खास हवारियों में से थे। जब ये दोनों कैद हो गए तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा, और वो आए, उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ काम किया और लोगों को अपने से मानूस किया, यहाँ तक कि बादशाह भी उनकी इज्जत करने लगा और उनसे मोहब्बत करने लगा। उन्होंने मसलहत की वजह से अपनी दावत को छुपाए रखा और दूसरे जरिए से लोगों को करीब किया और बादशाह को भी मानूस किया। चुनांचे जब बादशाह उनसे बहुत करीब हो गया तो एक दिन शमऊन ने कहा कि आपने कैदखाने में 2 लोगों को डलवा रखा है, आपने उनकी पूरी बात सुनी या नहीं। बादशाह ने कहा नहीं, उन्होंने बात शुरू ही की थी कि मुझको गुस्सा आ गया और मैंने कैद में डलवा दिया। बादशाह ने शमऊन ने कहा बादशाह से कि उनको बुलाकर कम अज़ कम बात तो सुन लीजिए। चुनांचे बादशाह ने उनको बुलवाया, कहा तुम किसकी इबादत करते हो। उन लोगों ने कहा अल्लाह की इबादत करते हैं। कहा अल्लाह की सिफात बयान करो। कहा
कि जिंदगी और मौत का मालिक वही है, नफा नुकसान का मालिक वही है, तमाम तो कुदरत और ताकत उसी के पास है, करने वाली जात और हस्ती बस उसी की है। अल्लाह का बेहतरीन तआरुफ पेश किया, कहा कि और मजीद तुम क्या कहते हो। चरंचे उन्होंने देर तक तौहीद का पैगाम और शिर्क की कबाहत बादशाह के सामने पेश की, और शायद बादशाह का दिल भी कुछ मुतासिर हुआ। फिर कहा, बादशाह ने कहा कि तुम अगर सच्चे हो और तुम्हारा परवरदिगार भी ताकत और कुव्वत वाला है तो कोई निशानी दिखाओ। बादशाह की तरफ से जब ये मुतालबा किया गया तो उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसे शख्स को बुलाइए जो नाबीना हो, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो बीना हो जाए, देखने वाला। चुनांचे एक लड़के को बादशाह ने बुलवाया जिसकी दोनों आंखें गायब थी, आंखों का गढ़ा भी मौजूद नहीं था बल्कि बिल्कुल पेशानी की तरह सपाट जगह थी। उन दोनों ने अल्लाह ताला के आगे नमाज पढ़ी और पैर अल्लाह से मांगना शुरू किया, और शमऊन भी दिली दिल में अल्लाह से मांग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। इधर ये रो रहे हैं, उधर खुदा ताला की कुदरत हरकत में आई और आंखों की जगह जो बिल्कुल सपाट थी वहां गड़े आंखों के पैदा हुए, और जब गड़े बन गए तो उन दोनों ने जमीन से मिट्टी के दो गुल्ले उठाकर आंख की जगह लगा दी, और अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई कि वो आंख बन गई और वो देखने वाला हो गया। बादशाह तो हैरतजदा हो गया, और जितने दरबारियों ने देखा वो भी हैरतजदा हो गए। फिर बादशाह ने कहा कि ये तो बड़ी निशानी तुमने दिखाई, लेकिन हम तुम्हारे परवरदिगार को उस वक्त मानेंगे जब वो किसी मुर्दा को जिंदा कर दें, यानी तुम हमारी निगाह के सामने अपने अल्लाह से कहकर किसी मुर्दा को जिंदा करके दिखाओ। चुनांचे ये मुजिजा ईसा अलैहिस्सलाम का उनके दोनों कासिदों के हाथ पर जाहिर हुआ कि एक मुर्दा को जिसके मरे हुए 7 दिन हो गए थे, एक लड़का था मर गया था, 7 दिन हो चुके थे मरे हुए, उसकी लाश कब्र से निकलवाई गई जिससे बदबू उठ रही थी, और उन दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी और वो जिंदा हो गया। फिर बादशाह की एक बेटी मर गई थी, बादशाह ने कहा उसको जिंदा करके देखो, बहुत दिन हुआ था मरे हुए। चुनांचे उस लड़की को कब्र से निकाला गया, इन दोनों ने दुआ मांगी और वो उठ बैठे, और उसने ये कहा कि ये दोनों जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसने लौट जाने की तमन्ना जाहिर की कि मैं कब्र में जाना चाहती हूँ। चुनांचे उन दोनों ने इजाजत दी और वो अपने सर पर मिट्टी डालती हुई कब्र में चली गई और फौत हो गई। ऐसी जबरदस्त निशानियां देखने के बावजूद बादशाह ने ईमान कबूल नहीं किया। जिसके लिए महरूमी मुकद्दर कर दी जाती है वो निशानियां देखने के बाद भी सही रास्ते पर नहीं आता। हमें अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ताला ने हमें जलालत और गुमराही से, शिर्क से और बुतपरस्ती से महफूज रखा और ईमान की राह दिखाई। हजार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौहीद पर और ईमान पर रखा। अल्लाह ने हमें अपनी जात और अपनी हस्ती का तआरुफ अता किया और हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाली। नामी को सही हम उसको पुकार रहे हैं, उसी के आगे झुकते हैं और उसी के आगे अपनी फरियादें, हाजतें, ज़रूरतें पेश करते हैं। और क्या शान है हमारे परवरदिगार की, और कैसा इनाम है हम जैसे हकीर बंदों पर। अगर अल्लाह का फजल न होता न जाने कहाँ होते, किन गुमराहियों में पड़े हुए होते और कुफ्र शिर्क की किस वादी में भटकते होते।
अल्लाह के बंदो बंदियों अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। खुदा ने नवाजा और किस कदर नवाजा कि हमें ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल किया और अल्लाह ने अपनी तरफ हमें बुलाया, वरना कैसे 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 लोग हिदायत से महरूम रह गए और जलालत और गुमराही की वादियों में भटकते फिरे और आखिर उसी पर मरे। खुदा की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, ईमान और यकीन और तौहीद की दौलत को अपना सबसे बड़ा सरमाया ख्याल करना चाहिए और अल्लाह से इसी दौलत पर, ईमान पर, अल्लाह के पाक नाम पर, उसके पाक कलाम पर वफात की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसी पर जिंदा रख और इसी पर मौत अता फरमा, हमें अपने नाम पर जिंदा रख और अपने नाम पर वफात अता फरमा। वो बादशाह की और उसकी कौम की किस्मत में, उनकी तकदीर में ईमान नहीं लिखा हुआ था, ऐसी ज़बरदस्त निशानियां देखने के बावजूद मोमिन नहीं हुए और बादशाह ने उन दोनों को कत्ल करने का इरादा कर लिया। हबीब नाम के एक शख्स थे नेक, वो शहर के बिल्कुल किनारे रहते थे, बाज तफसीरी रिवायतों में कि जुजाम की बीमारी थी इसलिए अलग थलग रहते थे और वहीं हलाल रोज़ी कमाते थे और अल्लाह ताला का नाम लेते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। मोमिन सालेह थे, बाकिरदार बाखलाक इंसान थे और इससे पता चलता है कि ये जो दीन की मेहनत कर रहे थे ये कासिद हज़रत ईसा के भेजे हुए लोग, उनकी दावत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि शहर के किनारे रहने वाले भी उनकी दावत को कबूल कर चुके हैं और ईमान पर कायम हैं। जब हबीब को मालूम हुआ कि इन दोनों को कत्ल किया जाने वाला है तो वो बेचारे भागम भाग वहाँ से आए, आगे तस्किरा आएगा, और उन्होंने बस्ती वालों को नसीहत की कि या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, जो लोग अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं उनके पीछे पीछे चलो, इसी में कामयाबी है, इनके साथ कोई बुरा सलूक न करो, इनको अजियत न पहुँचाओ, इनके साथ कोई जुल्म रवा न रखो वरना तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि उनकी भी बात नहीं मानी गई और उनको भी उन पर हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। बाज़ रिवायतों में ये बात आई है कि कौम के लोगों ने उन पर हमला किया और कत्ल करना चाहा, अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और तज़किरा आ रहा है कि जन्नत में उनको दाखिल किया गया। गोया कि अल्लाह ने बताया जो ईमान और यकीन के रास्ते पर चलेगा, चाहे दुनिया उसकी मुखालफत करे और दुनिया उसके रास्ते में रोड़े अटकाए और दुनिया उसको आजमाइशों से गुजारे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम है और अल्लाह पाक के यहाँ उसकी बड़ी शान है और उसके लिए जन्नतुल फिरदौस है। यही तज़किरा इस रुकू में किया गया है और मक्का के लोगों को बताया जा रहा है कि देखो पहले दीन की दावत किस तौर पर पेश की गई थी और लोगों ने उसको किस तरह ठुकराया और अपने लिए बदबख्ती और महरूमी का दरवाज़ा खोला। इज़ अरसलना इलैहिम उस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। जबकि हमने उनकी तरफ दो लोगों को भेजा तो उन्होंने उनको झुटला दिया, फिर हमने तीसरे के ज़रिए क़ुव्वत बख्शी, तब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए आए हैं। ये जो दो लोग थे हज़रत ईसा के कासिद, उनका नाम सादिक और मज़दूक ज़िक्र किया गया है और तीसरे का नाम जो मैंने बताया शमऊन, उन्हीं के ज़रिए अल्लाह ने इनको क़ुव्वत दी थी जैसा कि मैंने वाक़ सुनाया। قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون। बस्ती वालों ने कहा तुम हमारे ही जैसे इंसान हो और
रहमान ने कुछ भी नहीं उतारा है, तुम सब झूठ बोलते हो। बस्ती वालों ने अल्लाह ताला की तरफ से दीन का पैगाम लेकर आने वालों की दावत को ठुकरा दिया और कहा कि तुम में क्या खास बात है, कौन से सुरखात के पर तुम में लगे हुए हैं और तुम कौन बहुत अनोखे निराले हो, हमारी तरह के तो इंसान हो, खाते पीते हो, चलते फिरते हो, हंसते बोलते हो। वो जो मुशरिकीन ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था कि मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये पैगंबर तो बाजारों में चलते हैं, खाते हैं, यानी इनमें कौन सी खास बात है, जैसे ये वैसे हम और जैसे हम वैसे ये। तो इन दीन का पैगाम लेकर आने वालों के बारे में भी और दीन की दावत देने वालों के बारे में भी अंताकिया के लोगों ने, उस बस्ती के लोगों ने यही जवाब दिया, तीन बातें कही। एक तो ये कि तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, तुम में कोई खास बात नहीं, इसलिए हम तुम्हारी बात क्यों माने। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने कोई चीज आसमान से नहीं उतारी है, कोई पैगाम, कोई आसमानी किताब नहीं उतारी। और तीसरी बात ये कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो सच लेकर आए थे और सच्चाई की दावत दे रहे थे और खुद सच्चे थे, बस्ती वाले उनको झूठा कह रहे हैं। खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, अल्लाह बरअक्स निहन नाम जंगीरा का फूल। ये दुनिया की पुरानी रीत है, पुरानी रस्म है, हबशी का नाम काफूर रख देते हैं, काफूर बिल्कुल सफेद होता है, हबशी बिल्कुल सियाह होता है, हबशी को काफूर कह रहे हैं, अल्लाह। खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। जो सच्चे थे, सच्चाई के अलमबरदार थे, सच आम कर रहे थे, जिनके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ सच्चाई सच्चाई थी और जिनके दिलों में खोट नाम की कोई चीज नहीं थी, उनको कहा कि तुम झूठे हो। قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون, उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम बेशक तुम्हारी तरफ भेजे हुए आए हैं, यानी तुम तो हमको झूठा कह रहे हो मगर हमारा परवरदिगार जानता है कि हम सच्चे हैं। وما علينا إلا البلاغ المبين, और हमारी जिम्मेदारी बस खोल खोल कर पैगाम पहुंचा देना है, यानी साफ सुथरे तरीके पर दिलनशील अंदाज में, दिलकश उसलूब में पैगाम पहुंचाना हमारा काम है, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم, बस्ती वालों ने कहा हमने तुमको मनहूस ख्याल किया है, ना मुबारक देखा है, अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आओगे तो हम तुमको पत्थरों से मार मार कर कत्ल कर देंगे और तुमको हमारे हाथ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ऐसे मालूम होता है इस इन दोनों आयतों से कि जब ये अल्लाह के दीन की दावत लेकर बस्ती में पहुंचे और अल्लाह का तारुफ कराया, तौहीद की हकीकत बयान की, और कौम के लोगों ने ठुकराया तो कोई मुसीबत आ गई होगी, बारिश रुक गई होगी, खेतियां बर्बाद हो गई होंगी, कैद पड़ गया होगा, जाहिर है कि तकजीब के नतीजे में, नाफरमानी के नतीजे में सजा तो आती है, तो कोई मुसीबत इन पर आई होगी और इन्होंने अपनी बेअकली से उस मुसीबत को इन लोगों की तरफ मंसूब कर दिया कि तुम आए हो तो मुसीबत आई है, तुम आए हो तो हम पर आफत आई है, तुम आए हो तो कहत पड़ा है, तो इसलिए तुम बहुत ही मनहूस लोग हो, तुम्हारे कदम तुम सब्ज़ कदम हो,
सब्ज कदम कहते हैं ऐसे को जिसके आने से मुसीबतें आए मनहूस इंसान को। قالوا طائركم معكم, उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी नौसत तुम्हारे साथ है, तुम्हारा आना मुबारक होना तुम्हारे साथ है। जो मुसीबत आई वो तुम्हारी वजह से आई, तुम्हारे अमाल के नतीजे में। तुम गंदे काम कर रहे हो इसलिए मुसीबतें आ रही हैं। तुम बल अंतुम कौमुन मुसरिफून, क्या इतनी बात पर कि तुमको समझाया, यानी तुम्हें हम नसीहत कर रहे हैं और सही रास्ते की तरफ बुला रहे हैं और तुमको दावत दे रहे हैं और तुम हमी को मनहूस करार दे रहे हो, कैसे बेअकल हो। बलन तुम कौम मुसरिफून, बात तो ये है कि तुम लोग, तुम ऐसे लोग हो कि हद पर नहीं रहते, यानी गुनहगार और हद से आगे बढ़ जाने वाले हो। ये आप गौर कीजिए कि कैसा अंदाजे बयान है। इन लोगों ने, कौम के लोगों ने दावत को ठुकरा दिया और जो लोग दावत लेकर आए थे उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अपना रबो लहजा उन्होंने नर्म रखा और जिद और इनाद की बात करने के बजाय ये कहा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और बेअकली का काम कर रहे हो, जरा गौर करो कि तुम किस रुख को अपना रहे हो। वजह मिन अफसल मदीनती रजुल यसअ, और शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ये है हबीब का तस्करा, वाकया में सुना चुका। वो शहर के किनारे रहते थे और हाथ की कमाई खाते थे और अल्लाह पर ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल थे। जब बस्ती वालों ने उन दोनों दीन के दाइयों को तकलीफ पहुंचाना चाहिए और कत्ल करना चाहा और उनको पता चला तो वो भागते हुए आए ताकि इनको बचाएं। उनके बारे में तफसीर मजहरी में ये बात है कि वो रेशमी कपड़े बनाते थे और बीमार भी रहते थे, जुजाम की बीमारी थी, और दिन भर मेहनत मजदूरी करते और कपड़े बनाते और फिर शाम को उसको बेच देते थे। जो पैसा आता था उसके दो हिस्से करते थे, एक अपनी ज़रूरत में खर्च करते और एक अल्लाह के राह में सदका कर देते। और बड़े सालेह और परहेजगार इंसान थे। قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين, उन्होंने कहा ए कौम के लोगों, भेजे गए लोगों की राह पर चलो, यानी जो कासिद आए हैं दीन का पैगाम सुना रहे हैं उनके रास्ते पर चलो। मैंने बताया कि अल-मुरसलीन या इस्तलाही माना में नहीं, लुगवी माना में, ये पैगंबर नहीं थे बल्कि पैगंबर के भेजे हुए थे और दोनों कासिद ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से आए थे। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, चलो ऐसे शख्स के पीछे पीछे जो तुमसे बदला नहीं चाहता और वो ठीक रास्ते पर हैं, यानी जो लोग हिदायत पाए हुए हैं और जो बिल्कुल बेगरज हैं, बेलोस हैं। दीन के दाई को बेगरज होना चाहिए और बेलोस होकर दीन की दावत पेश करनी चाहिए। कुरान ने दावत और दाई दीन के सिलसिले में बार बार ये तज़किरा किया है कि उसकी दावत बेलोस हो और वो बेगरज होकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई मुआवजा, कोई उजरत, कोई फीस, कोई पैसा, कोई तनख्वाह नहीं चाहता। इन अजरी इल्ला अला अल्लाह, मेरा अजर तो बस अल्लाह के जिम्मा है। वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजऊन, और मुझको क्या हुआ कि मैं उस ज़ात की बंदगी न करूँ जिसने मुझको पैदा किया। व इलैही तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैयन व ला युन्क़िज़ून, भला मैं क्यों अल्लाह ताला के सिवा और माबूदों को इख्तियार करूँ, अगर मुझ पर रहमान कोई तकलीफ़ भेजना चाहे तो कुछ
काम न आएगी मुझको उनकी सिफारिश और न वो मुझको छोड़ा सकेंगे। यानी अल्लाह के अलावा अगर और माबूदों को मैं अख्तियार करूँ तो वो नफ़ा नुकसान पहुँचाने के मालिक नहीं है और न अल्लाह के अजाब से मुझको बचा सकते हैं। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तब तो मैं खुली हुई गुमराही में जा पड़ूंगा। यानी अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद मान लूँ तब तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ले आया, तुम मुझसे सुन लो। यहाँ ये जो फरमाया कि मैं तुम्हारे परवरदिगार पर, यह कौम को खिताब नहीं है बल्कि वो जो भेजे हुए थे कासिद उनको खिताब है कि ए कासिदो, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वालों, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूँ तो तुम मुझसे सुन लो, यानी इस पर गवाह हो जाओ। ये कौम से खिताब नहीं है इसलिए कि कौम तो मुशरिक थी। वो जो कासिद आए थे उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूँ तो तुम मुझसे सुन लो और गवाह रहो कि मैं मोमिन हूँ, ईमान पर हूँ। क़ीलत खुलिल जन्ना, कहा गया कि जन्नत में चले जाओ, बहिश्त में चले जाओ। जब हबीब ने यह दावत पेश की और तौहीद का ऐलान किया और अपने मोमिन होने का इजहार किया और आए हुए लोगों के रास्ते पर चलने का की दावत अपने कौम को पेश की तो कौम के लोग उन पर टूट पड़े और उनको बुरी तरह मारा, यहाँ तक कि उनका पेट चीर दिया, आते बाहर निकाल दें, बहुत सख्त जुल्म किया और शहीद कर दिए गए। जाहिर है कि शहीद हुए तो अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा ऊंचा मकाम है, इसी को आगे जिक्र किया गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। यानी दुनिया के जेल खाने से उनको छुटकारा मिला, अल्लाह ने अपने मेहमान खाने का दरवाजा उनके लिए खोल दिया। और हज़रत हसन बसरी से ये नकल किया गया है कि कौम के लोग उनके ऊपर टूट पड़े थे और कत्ल करना चाहते थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया और अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। बहरहाल जो भी बात हो वो ये बात तो बस तय है कि हज़रत हबीब को जन्नत में जगह मिल गई और उन्होंने दीन की जबरदस्त दावत पेश की। हजरत उरवा इब्ने मसूद सकफी का वाकया भी उनसे मिलता जुलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं और बड़े फसीह व बलीग थे, ये वही हैं आए थे मुशरिकीन के तरफ से नुमाइंदा बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुदैबिया के मौके पर। उनको भेजा गया था, इन्होंने देखा और वापस गए और जाकर मुशरिकीन से कहा कि लकद वफदतु अला कैसर व किसरा, लकद वफदतु अलल मुलूक व लकद वफदतु अला कैसर व किसरा, वल्लाहि मा रायतु अहदन युअज़्ज़िमु सहाबा अस्हाब मुहम्मदिन मुहम्मदा, कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों का दरबार देखा है और कैसर व किसरा जैसे ही सुपर पावर ताकत रखने वाले बादशाहों के यहाँ भी गया हूँ लेकिन किसी के साथ ही उनकी वैसी इज्जत नहीं करते जैसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उनके साथ ही करते हैं। हुजूर अगर मुंह से थूक निकालते हैं तो वो किसी सहाबी के हाथ में गिरता है, वो उसको मल लेते हैं। वजू के पानी के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, हजरत के वजू का पानी हाथ पैर पर चेहरे पर मलते हैं। यहाँ तक कि किसी को पानी नहीं मिलता तो जिसने पानी अपने हाथ पैर पर मला है उसके हाथ पैर से अपने हाथ पैर को वो मस करते हैं बरकत हासिल करने के लिए। कोई हुक्म देते हैं तो वो एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं पूरा करने के लिए, और जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो सहाबा ऐसे होते हैं कअन्ना अला रूसी मुत्तयर, गोया कि उनके सरों पर परिंदा बैठा है, हरकत भी नहीं करते। और बाद में अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा। जब ये मुसलमान हुए और हुजूर ने फरमाया कि अपनी कौम में वापस न जाओ, कौम मुशरिक है, नाफरमान है, ईज़ा पहुँचा देगी, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी कौम में मेरा ऊंचा मकाम है, कबीले सकीफ़ के थे, सकफ़ी थे, कहा मेरी कौम में मेरा ऊंचा मकाम है, यहाँ तक कि अगर मैं सोया हुआ हूँ तो कोई मुझको जगाता भी नहीं है, यानी इतना अदब एहतराम लोग करते हैं,
सोया हुआ हूँ तो लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते और मुझको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हुजूर ने मना किया लेकिन वो चले गए, अपने घर जाकर क़याम किया, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला के एक होने की शहादत और गवाही दी। घर में है और बाहर लोगों को मालूम हो चुका था ये मुसलमान हो चुके हैं, बाहर से किसी ने तीर चलाकर मारा और ये शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि अरवा की मिसाल ऐसी है जैसे यासीन वाले शख्स की मिसाल, कि उन्होंने भी तौहीद की दावत दी थी और उनको शहीद कर दिया गया था। यही हजरत हबीब जिनका तस्करा इन आयतों में। قِيلَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ, कहा गया कि बहिश्त में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ, कहने लगे काश मेरी कौम को मालूम हो जाता। बिमा غَفَرَ لِي رَبِّي, कि मेरे परवरदिगार ने मुझको बख्श दिया। وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ, और मुझको इज्जत पाने वालों में शामिल कर लिया। तफसीली रिवायतों में कि जिस वक्त उन पर हमला हुआ और लोग उनको मार रहे थे, उस वक्त भी वो कहते थे कि अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे दे और मेरे कौम को ईमान की तौफीक दे दे। और यहाँ बताया जा रहा है कि जन्नत में दाखिल हो गए हैं तब भी उनको ये अपने कौम का दर्द और उसकी फिक्र है कि अगर उनको मालूम हो जाए कि मुझको कैसी इज्जत मिली है, वो इन ईमान की तरफ उनमें रहमत पैदा हो गई। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकर्रमीन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद थे मौलाना खैरुद्दीन, बड़े नेक इंसान थे और शेख तरीक़त थे, हज़ारों लोग उनसे मुरीद थे और रात को 3 बजे से उठकर और रात वज़ाइफ में ज़िक्र तस्बीह में मशगूल होते थे। मौलाना आज़ाद को उन्होंने ही सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त उठने का आदि बनाया था, जिसका मामूल ज़िंदगी भर मौलाना आज़ाद किया रहा। मौलाना आज़ाद ने खुद अपनी किताब में जो उन्होंने इमला कराई थी लिखा है कि मेरे वालिद जब सख्त बीमार हो गए, मैं दूर था, मेरे वालिद जब सख्त बीमार हुए मैं दूसरे शहर में था, मुझको तार दिलवाया गया। दो ही भाई थे ये, इनके एक भाई जवानी में वालिद की ज़िंदगी में फौत हो गए थे और ये एक ही बच्चे थे, और इनको तार देकर बुलवाया गया। कहते हैं मैं पहुँचा, वालिद का बिल्कुल आखिरी वक्त था, सूरह यासीन की तिलावत मैंने शुरू की या किसी और से उन्होंने कहा कि पढ़ो। जब इन आयतों पर तिलावत करने वाला पहुंचा और वालिद ने इशारे से रोक दिया, उसके बाद खुद पढ़ना शुरू किया और यही आयतें पढ़ी, या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकर्रमीन। बस इसी पर उनकी रूह निकल गई, गोया के उन्होंने ज़ुबान काल से कुरान पाक की आयतों के ज़रिए ये बताया कि परवरदिगार ने इकराम फरमाया और मग़फ़रत फरमाई। वमा अंज़लना अला क़ौमी मिन बादी मिन जुंदी मिन अस्समा वमा कुन्ना मुनज़िलीन, और हमने उसकी कौम पर उसके बाद कोई फ़ौज आसमान से नहीं उतारी और हम फौज नहीं उतारा करते। यानी अल्लाह ताला ने जुटलाने, नाफरमानी करने और ऐसे नेक सालेह अफराद को कत्ल करने के नतीजे में उन पर कोई बहुत बड़ी फौज नहीं भेजी कि जाओ तुम इनको हलाक कर दो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक चीख उनके लिए काफ़ी हो गई, एक अजाब आया और सब साफ हो गए। और ये जो कहा कि हम फौज नहीं उतारा करते, मतलब ये कि हमें अपने दुश्मनों को और दीन के मुखालिफीन को तबाह करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। एक इशारा होगा, एक जलजला आ गया और सब मर गए, एक चीख आ गई और सब मर गए। खुदा ताला की ताकत और कुव्वत बहुत है। इन कानत नसीहतन वाहिदतन फैज़ा हुम खामिदून, बस यही थी एक चिंगार, फिर उसी दम सब बुझ गए। जब हजरत हबीब को शहीद कर दिया गया और अल्लाह का गुस्सा हरकत में आया और मजहरी में है कि उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया, हजरत जिब्रील ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक आवाज़ निकाली जो बहुत सख्त चिंगार थी और उसकी उसके सदमे से सब मर गए। या हसरतन अलल इबाद,
अफसोस है बंदों पर, मायतीम रसूल इल्ला कानु भी इस्ताजियून, कोई पैगंबर उनके पास नहीं आया मगर ये कि वो उसके साथ मजाक करते थे, यानी उसका तमस्खुर उड़ाते थे। अलम यरौ कमा अलकना क़ब्लहुम मिन अल-क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या ये नहीं देखते कि हम इनसे पहले कितनी जमातें हलाक कर चुके कि वो उनके पास लौट कर नहीं आएंगी। मक्का वालों को खिताब किया जा रहा है कि कितनी कौमें तुमसे पहले मिट चुकी हैं, क्या तुम गौर नहीं करते हो कि जिन जिन लोगों ने नाफरमानी की, सरकशी की, उन सब को अजाब की चक्की में पीस कर रखे हुए, और किसी पर चीख भेज दी गई, और किसी पर जलजला आ गया, और किसी पर आसमान से पत्थर की बारिश बरसाई गई, और किसी को ज़मीन में धसा दिया गया, और किसी को पानी में गर्क कर दिया गया। فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ। عذاب پائے ہوئے لوگوں کا تذکرہ ایک آیت میں کیا گیا ہے। وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ, اور ان سب میں کوئی نہیں جو ہمارے پاس پکڑے ہوئے اکٹھے ہو کر نہ آئے, یعنی دنیا میں تو عذاب ان پر آ ہی گیا, پھر آخرت میں بھی وہ سب گرفتار کر کے اللہ کے یہاں حاضر کیے جائیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔